संविदा कर्मियों द्वारा काला बिल्ला के साथ बिहार सरकार के दोहरी नीति का विरोध प्रदर्शन। पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला के साथ बिहार सरकार को अपनी असंतुष्टि जाहिर कर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खगड़िया जिले के पीएससी प्रवक्ता अस्पताल में भी सभी संविदा कर्मी ने 6 मई से 10 मई तक लगातार बिहार सरकार की दोहरी नीति के विरोध अपनी नाराजगी सह प्रेम पूर्वक विरोध करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों का कहना है कि यदि 10 मई तक सरकार हमारी मांगों की स्वीकृति नहीं देती है तो 12 मई को होम आइसोलेशन कर अपने कार्य की बंदी को अंजाम देंगे। और ये काला बिल्ला कौन सी कर लगा हुआ? ये सरकार के द्वारा जो दोहरी नीति चलाई जा रही है, हम लोग के जो इतना कोरोना काल में इतने महामारी में इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी जो सुविधा मिलना चाहिए था वो सुविधा नहीं मिलती। आप कौन सी सुविधा चाह रहे हैं? जैसे कि जहाँ पे अभी जो परमानेंट स्टाफ है उसको अगर कुछ हो जाती है जी, उसकी पूरी सुविधा ताकि सरकारीकरण उसके निजी जो उसके घर के जो भी व्यक्ति हैं उसको नौकरी वगैरह पेंशन वगैरह सारा चीज मिलता है। हम लोग का कोई सुविधा नहीं, ना ही कोई पेंशन, ना ही कोई अनुकंपा पे किसी को नौकरी, कोई तरह की बीमा सुविधा नहीं दी जा रही है। ये कब से आप काला बिल्ला लगा, कितने दिन के लिए लगा रही है? कल से चालू हुआ है, आज दूसरा दिन है। और कब तक लगाइएगा? कल तक है। कल तक? आपका क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार। कौन से पद पर यहाँ काम कर रहे हैं? ब्लॉक के में नहीं है। और ये कौन सी बात का ये बिल्ला लगा हुआ? बस सरकार की दोहरी नीति जो है जी, सरकारी कर्मचारी और संविदा वाले को जो अलग अलग कर रखे हैं उसी के विरोध में हम लोग काला बिल्ला लगाए। आपके नज़र से क्या अलग अलग की बीत गई है? अभी कोविड काल में अगर कोई कर्मी की मृत्यु होती है तो सरकार उसे 50 लाख का बीमा दिया है, साथ ही उन्हें पारिवारिक पेंशन मिल रहा है, उनके परिवार वाले को नौकरी दी जा रही। वही कोविड काल में संविदा कर्मी की अगर डेथ हो जाई है तो कुछ नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग काला बिल्ला लगाए हैं और 12 तारीख से होम आइसोलेशन सामूहिक जा रहे हैं। 12 का होम आइसोलेशन कीजिएगा जी। तो आपका क्या नाम हुआ? अनमोल कुमार। अनमोल जी, ये कौन सी का बिल्ला लगाए हुए हैं अभी? ये संविदा कर्मी के रूप में हम लोग लगाए हुए हैं, जो विगत 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ हम लोग लगाए हुए हैं काला बिल्ला। दोहरी नीति में के दौरान आप क्या कहना चाहते हैं कि दोहरी नीति कैसे हुई? देखिए, हम लोग विगत 2 साल से कोरोना काल में काम कर रहे हैं जी, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ सरकारी कर्मियों को देखा जा रहा है जी। इसमें हम संविदा कर्मी को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। जो मतलब पेंशन योजना हुआ या बीमा हुआ लाइफ का जीवन के लिए, हम लोग के जीवन से सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये कब तक आप चलाइएगा? ये 10 तक है काला बिल्ला का, उसको 12 तारीख से हम लोग चले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।